आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों के बीच समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा वोटिंग के पहले सपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, मनोज पांडे पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि मनोज पांडे अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे। वो पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो रायबरेली के ऊंचा हार से सपा पार्टी के विधायक थे मनोज पांडे, जिन्होंने सुबह सुबह एक अपनी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब वो भाजपा ज्वाइन करेंगे और इस राज्यसभा वोटिंग में वो भाजपा को वोट देंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ से बात भी हुई है। आपको बता दें, पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो रायबरेली के ऊंचा हार से सपा पार्टी के विधायक थे। और हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इस राज्यसभा चुनावों के बीच बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक थे, रायबरेली के ऊंचा हार से सपा पार्टी के विधायक थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफा उन्होंने अखिलेश यादव को दिया उन्होंने, और ऐसा माना जा रहा है कि अब वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। आज राज्यसभा चुनावों की वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम मनोज पांडे है। वो अखिलेश यादव के करीबी भी बताए जाते हैं। वो रायबरेली के ऊंचा हार से सपा पार्टी के विधायक थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है इस राज्यसभा चुनावों के बीच। 10 सीटों के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज राज्यसभा चुनावों की वोटिंग होनी है, जो सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो चुकी है और शाम 4 बजे तक चलेगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। आपको बता दें, वो पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक हैं और रायबरेली के ऊंचा हार से सपा पार्टी के विधायक थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस चुनाव के दिन। ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा राज्यसभा चुनाव के पहले।